सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। हेलो दोस्तों, अंकिता किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं पोहा, जो कि सभी को बहुत पसंद होता है। ये सुबह के ब्रेकफास्ट में या फिर शाम के डिनर में भी बनाकर कभी भी खाया जा सकता है और ये बहुत हेल्दी होता है। तो इसके लिए मैंने लिए हैं ये दो मीडियम साइज के प्याज और एक बारीक हरी मिर्च, जिसको अच्छे से काट लिया है। ये एक बड़े साइज का टमाटर, जिसको बारीक काट लिया है। ये 200 ग्राम मटर के दाने हैं, जिसको मैंने हल्का सा बॉईल कर लिया है। और ये मैंने 200 ग्राम पोहा लिया है। तो पोहे को हम सबसे पहले अच्छे से पानी से वॉश करेंगे। पोहे को मैंने 3 बार पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है, ताकि इसके अंदर की जो गंदगी है, स्टार्च है, वो निकल जाए। अब हम इसे इस तरह से हाथ से फैला देंगे इसी बर्तन के अंदर, ताकि जो पानी से हमने वॉश किया है वो पानी इसको ये अपने अंदर ऑब्जर्व कर सके और ये थोड़ा फूल सके। तो जब तक ये फूलता है, तो इसके लिए हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी है, तेल भी गर्म हो चुका है हमारा। अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच राई डाल रहे हैं। बारीक कटा हुआ प्याज और हरी मिर्च डाल देती है। इसे हल्का सा फ्राई करेंगे हम, ज्यादा नहीं भूनेंगे, ताकि इसका जो क्रंची टेस्ट है वो अच्छे से आ सके पोहे में और पोहे हमारे अच्छे बनकर तैयार हो सके। गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे। डाल रही हूँ मैं कुछ मसाले, एक पिंच हल्दी, 1/4 टीस्पून है ये, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, डेढ़ चम्मच लिया धनिया पाउडर, आधा चम्मच सौंफ। मिक्स कर देते हैं। सौंफ से इसका टेस्ट है काफी अच्छा आता है, खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है ये। इसी के साथ डाल रही हूँ ये मटर के दाने बॉईल किए हुए। साथ ही आधा चम्मच गरम मसाला लिया है, वो डाल रही हूँ। और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, ये नमक मैंने इसमें 1/4 टीस्पून रखा है, थोड़ा कम ही डाल रही हूँ मसाले में। बाकी का नमक है वो मैं पोहे के साथ डालूंगी, ताकि जो टेस्ट है अच्छे से हो सके, सॉल्टेड हो सके। ये मिक्स कर लेते हैं और साथ ही डाल रही हूँ बारीक कटे हुए टमाटर। तो हम इन्हें ज्यादा नहीं गलाएंगे, हल्का सा क्रंची होने तक हम इसे कुक करेंगे। 2 मिनट के लिए ये अच्छे से कुक हो गए हैं, देखिए। और अब ये मैंने पोहा लिया है, 1/4 टीस्पून मैं इन पोहे के अंदर डालूंगी, इनके चारों तरफ, देखिए। और अब मैं इन्हें हाथों से इसी तरह से मिक्स कर देती हूँ, ताकि जो पोहे हैं थोड़े सॉल्टेड हो सके और जब ये बने तो इनमें फीका सा टेस्ट ना आए। देखिए हाथों से मिक्स हो गए हैं और अब मैं इन्हें डाल देती हूँ मसाले के अंदर। सभी को हम मिक्स कर देते हैं। इस तरह से पोहा बनाना बहुत आसान है सभी के लिए, कभी भी कोई भी बना के खा सकता है। इसे काफी टेस्टी और मजेदार बनते हैं ये। इस तरह से अगर पोहा बनाकर खाएंगे तो काफी अच्छे लगेंगे, सभी को बहुत पसंद भी आएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा
और साथ ही बेल आइकन का बटन उसे भी प्रेस करिएगा। तो देखिए गर्मा गर्म पुआ बनकर तैयार है हमारा। तो आइए हम इन्हें सर्व कर देते हैं। गैस का फ्लेम ऑफ कर देती हूँ। देखिए दिखने में कितने सुंदर दिख रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज़।